हेलो फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग का फोर्थ डे इन बाकू एंड लास्ट डे इन बाकू। तो हम लोग की फ्लाइट है इवनिंग की, रात में 9 बजे की। सो हम लोग आए हैं यहाँ यानरदाग, यही मेन है जहाँ माउंटेन में आग जलती है, यही मेन जगह है। हम लोग उस दिन जा नहीं पाए थे और दिन, तो सोचा कि आज आखिरी दिन है, तो हम लोग ने चेकआउट कर लिया था होटल से, तो हमने सोचा कहीं तो जाना है। हम लोग यहाँ आ चुके हैं, यानरदाग में आ चुके हैं। ये हम लोग अंदर दिखाएंगे कि अंदर ऐसा क्या है, जो कि उसका टिकट अब्बा लेने का है। देखते हैं टिकट के प्राइस क्या हैं, उसके हिसाब से भी आपको बताएंगे टिकट के प्राइसेस कितने हैं। तो हम लोग यहीं आए, तो अपना टिकट प्राइसेस अब्बा बताएंगे देखकर। बाहर से देख लीजिए टिकट सेंटर ऐसा है आपका, बाहर अब्बा वो टिकट ले रहे हैं। और ये अंदर जाने का एरिया है, यहाँ अम्मा खड़ी है। ये देखिए इधर यानरदाग लिखा हुआ है, द बर्निंग माउंटेन। ये मेन द बर्निंग माउंटेन है। ऐसे बहुत तरह से, मतलब बर्निंग माउंटेन मैंने और सर्च करा था तो कुछ और जगह, बर्निंग हिल चला गया था मैं तो, बट हाँ ये भी जगह है आने की, एक्सप्लोर करने की जगह है। अच्छा, जब तक अब्बा टिकट ले रहे हैं तब तक मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो आपको टाइम वेस्ट ना हो यहाँ बाकू में, तो आपको दो चीज़ ये चीज़ करनी पड़ेगी कि जब आप पहले दिन आए, पहले दिन आप लोग चले जाएँ अपना वेनिस मॉल, वेनिस चले जाएँ। वहाँ आसपास उसके कारपेट म्यूज़ियम है, आर्ट म्यूज़ियम है, उसके पास अपना मेडन टावर है, उसके पास अपना ओल्ड बाकू हो गया, और अपना बुलेवर्ड हो गया। छः चीज़ें हैं वहाँ आसपास करने के लिए, 6 चीज़ें आपके वेनिस मॉल के पास। तो आप पहले दिन में 6 चीज़ें कर सकते हैं, तो आपका टाइम बचेगा, जो कि हम लोग से नहीं हुआ, हम लोग से मिस्टेक हुई। हम लोग को पहली बार में मालूम नहीं था, तो हम लोग कर नहीं पाए, तो बट हाँ आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोग जा सकते हैं, दो मस्जिद जा सकते हैं, दूर दूर दोनों मस्जिद है, दो मस्जिद जा सकते हैं दूर तरफ बता रहा हूँ। अपना हाफ फ्लेम टावर भी उसी के पास है, हाईलैंड पार्क भी उसी के पास है। तो हम लोग 8 चीज़ें एक साथ कर सकते हैं वॉकिंग एरिया में। उसके बाद आप दो मस्जिद चले जाइए, आप यहाँ आ जाइए यानरदाग। और दो एक जगह हम लोग की छूट गई है, वो है अपना इसकी एंट्री फीस है 9 मन्नत, जैसे फायर टेम्पल की थी सेम। और अपना मुझे वो कंटिन्यू कर रहा था कि उसके बाद आप जा सकते हैं, दो मस्जिद जा सकते हैं। और अपना हम लोग एक जगह मेरी छूट गई थी उधर, वो हम लोग की कुछ वॉलकैनो टाइप का है, वो छूट गया। और अपना ऐसी चीज़ें छूट गई, तो आप लोग दूर वाली चीज़ें सेकेंड डे कर सकते हैं, और थर्ड डे आप लोग और दूर वाली चीज़ें कर सकते हैं, स्थान कर सकते हैं। और फोर्थ डे आप वो कर सकते हैं, मतलब थर्ड डे आप कवाला जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा मैंने बताने की कोशिश करी है। तो अभी एंट्री हो गई है हम लोग की, यहाँ सामने शॉप लगी हुई है, वो है माउंटेन जिसमें आग जल रही है, और वो यानरदाग लिखा हुआ है। और अब्बा वहाँ चले जाएँ, अम्मा चलिए, अभी हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, और दिखते हैं पास में जाके क्या है ऐसा फायर, मतलब जो फायर निकल रहा है उसमें माउंटेन से, तो किस तरह से निकल रहा है, तो वो भी देखते हैं ज़रा हम लोग। ये देख सकते हैं आप लोग, ये फायर निकल रही है माउंटेन से, और यही है गर्म गर्म आ रही है, अच्छी अच्छी लग रहा है। तो यही चीज़ है यहाँ का, इस जगह का 9 मन्नत है इसकी फीस, यहाँ लोग 9 मन्नत देते हैं इसको देखने के लिए। और ऊपर भी जगह है जाने की, पता नहीं क्या है वहाँ ऊपर, टहलते हुए जा रहे हैं लोग अपना। यही है मेन यहाँ का। तो यहाँ कुछ समझ आया नहीं कि क्यों यहाँ लोग अपना कॉइन डाल के जा रहे हैं, विश मांगते होंगे और क्या हो सकता है, यहाँ का कुछ कल्चर डाल के मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। बट यहाँ दुआ, मतलब कुछ पैसे पड़े हुए, इंडियन मनी पड़े हुए हैं, अलग अलग पैसे पड़े हैं, पता नहीं क्यों, बट देखते हैं ऊपर जाके क्या है, लेट्स सी। पहले लोग आ चुके हैं, यहाँ घोड़ा है आगे रखा हुआ है इधर पहाड़ पे, बांधा हुआ क्योंकि खुला तो रख नहीं सकते। हम लोग और आगे जा रहे हैं यानरदाग के पास। ये देखिए ऊपर से ये व्यू है नीचे का, ये देख सकते हैं हम लोग, यहाँ लोग खड़े हुए हैं, वो यानरदाग लिखा हुआ है, सब अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं अपना। ये सीढ़ी है ऊपर, यहाँ जाने के लिए रास्ता है, तो लेट्स सी ऊपर क्या है। सबसे टॉप पे आ चुके हैं, सबसे टॉप फ्लोर पे, और यहाँ भी पहाड़ है दूर दूर तक। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये दूर दूर तक पहाड़, लोग अपनी फोटो खिंचा रहे हैं, बैकग्राउंड अच्छा रहा है क्योंकि, तो यहाँ दूर दूर तक सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन है। ये अपना यहाँ से भी रास्ता है नीचे जाने का, पता नहीं क्या है, लोग नीचे तक गए हैं। ये सामने व्यू है, वो सामने भी चीज़ें हैं, यहाँ लोग खड़े हैं अपना वहाँ फोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ नीचे भी है, यहाँ सीढ़ी रास्ता बना हुआ जाने के लिए, नीचे ऊपर आने के लिए, वहाँ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं दूर दूर तक, पीछे माउंटेन दिख रहे हैं। यही है बस, नीचे हल्का सा जगह है, हल्की सी नीचे बस हल्की सी जगह है जहाँ अपनी आग निकल रही है पत्थर में से,
तो वही है इसका मेन यही है इधर आने का, और कुछ देखने के लिए नहीं आते ना, सिर्फ यही देखने के लिए आते हैं। देखते हैं यहाँ से कुछ अगर करना होता है तो देखते करते हैं। यहाँ से अभी टाइम तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, तो बहुत टाइम बचा है, तो लेट्स सी यहाँ से कहीं जाते हैं तो देखते हैं, वरना बताते हैं आपको। हेलो, फाइनली हम लोग दूसरी लोकेशन पे आ चुके हैं आज के दिन की, और ये सेकेंड मस्जिद है जो कि यहाँ की फेमस है। इसका नाम है हैदर मस्जिद, और ये मस्जिद बहुत बड़ी, मैंने पहले किसी व्लॉग में बोला था कि दो मस्जिद को मिला के, जो हम लोग दो मस्जिद गए थे उन दोनों मिलाकर भी इससे बड़ी नहीं होगी, और बात सही थी मेरी। आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी है, यहाँ से शुरू हो रही, देखिए यहाँ से शुरू हो रही इसकी लाइन, और ये देखिए मस्जिद। ओ भाई साहब, ये मस्जिद है, चार मीनार है इसमें, बीच में मस्जिद है, वहाँ से लोग चल के आ रहे हैं, यहाँ से हम लोग, यहाँ टैक्सी ने रोका हम लोग को। और ये एरिया ही बहुत अलग सा एरिया है, ये घास लगी है, और ये बहुत मतलब अलग सा एरिया, मतलब बहुत अमीर वाला एरिया लग रहा है, अमीरी टाइप का। वो थोड़ा ऊपर मस्जिद जाने का एरिया है, वहाँ सीढ़ी है, यहाँ सीढ़ी है, और ये देख सकते हैं ये मस्जिद है, चार मीनार है। तो लेट्स सी क्या होता है, एरिया बहुत अच्छा है, मस्जिद बहुत बड़ी है, मस्जिद का बाहर का एरिया बहुत बड़ा है, और सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छे हैं, जैसे देख सकते हैं सिटिंग एरिया है। और आज गर्मी है, आज ठंडक नहीं है, यहाँ पेड़ वेड़ है, यहाँ घास लगी है, तो ये अपनी एरिया है बैठने का। और ये देख सकते हैं बाहर से बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, ऊपर देखिए वहाँ लिखा भी है, ये लिखा हुआ है हैदर मस्जिद, यहीं है। देखते हैं ऊपर जाके, देखते हैं अंदर जाने का रास्ता है या नहीं है, कि अंदर जाने का रास्ता होता अगर होता है तो देखते हैं अंदर जाके, मैंने पास से जाके दिखाते हैं आपको। आगे आ चुके हैं वहाँ एस्केलेटर जाने के लिए, और ये कुछ देखिए यहाँ ऊपर एरिया जाने का, वहाँ से रास्ता है ऊपर जाने के लिए, ये कुछ दरवाजे हैं अंदर जाने के लिए, और वो सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, यहाँ भी एस्केलेटर लगा है, सीढ़ी लगी है जिससे जो कंफर्टेबल हो, बट एस्केलेटर चल नहीं रही। तो कुछ दरवाजे खुले हैं अंदर के, कुछ दरवाजे बंद हैं, कुछ समझ आ नहीं रहा है, तो लेट्स सी। फाइनली लोग ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पता नहीं मस्जिद खुली है नहीं, बट जो पास से एरिया है दरवाजा, ये देख सकते हैं ये दरवाजा है, यह दरवाजा तो बंद है, बट आगे कुछ दरवाजे खुले हैं, कुछ दरवाजे बंद हैं, तो हम नीचे क्योंकि एस्केलेटर चल नहीं रही है, तो अगर नमाज पढ़ने का होता है, रास्ता खुला है नमाज पढ़ने का, तभी हम आएंगे ऊपर, वरना तो नहीं आएंगे। जैसे देख सकते हैं ये है जूता रखा है लोगों का, ये खुला है नमाज पढ़ने के लिए, अंदर नमाज पढ़ने के लिए। और जो है नीचे जो है वो अम्मा खड़ी है, वो जो वहाँ से सीढ़ी जा रही थी ना ऊपर जाने के लिए, तो वो यहाँ आ रही थी इस एरिया में, और इस एरिया में आके यहाँ ऊपर है। तो अंदर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, वॉशरूम देखते हैं वॉशरूम का है, और लेडीज़ का देखते हैं लेडीज़ के लिए भी है पढ़ने के लिए या नहीं है। तो अभी पता चला कि वजू खाना नीचे है, हम लोग ऊपर आ गए थे, तो ऊपर नहीं है वजू खाना, नीचे है, नीचे जाके देखते हैं कि कहाँ है वजू खाना। ये ऊपर से आप लोग देख सकते हैं ऐसा लगता है एस्केलेटर है, और वो वजू खाना लग रहा है शायद, देखते हैं वहाँ, अपना वजू करते हैं नमाज पढ़ते हैं यहाँ से निकलेंगे। और फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं मस्जिद में, मस्जिद बहुत अच्छी है, शिया वालों की ही है मस्जिद, दो मेन शिया की मस्जिद है। और देख सकते हैं ये देखिए पत्थर रखा हुआ है इधर, और उधर वुमेन का है, इधर मेन का है, ये मस्जिद आप पूरी देख सकते हैं, ये ऊपर तक है, देखिए ऊपर तक देख सकते हैं आप लोग, और सामने से बहुत बड़ी है, नीचे फ्लोर भी है नमाज पढ़ने के लिए, अगर ये फुल हो जाए, यहाँ तो हम खुद अपनी नमाज पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि नमाज हो नहीं रही है। ये पूरी मस्जिद है, यहाँ देखिए ये देखिए बाहर से इतनी बड़ी है ना ये भैया, यही था ये दूसरी मस्जिद थी हैदर मस्जिद। देखते हैं यहाँ से हम लोग अगर कहीं और जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर अपना आज का हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा बहुत टाइम बचा है अभी, तो लेट थी कहीं जाने का होता ही नहीं होता है। तो यही थी मस्जिद, हमने पूरी आपको मस्जिद दिखा दी, अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग आज की लास्ट लोकेशन पे आए हैं, लास्ट लोकेशन मतलब ऐसी है लिटिल वेनिस जो मॉल है वही पास में वहीं, क्योंकि हम लोग आए थे तो वैसे कारपेट म्यूजियम, बट हाँ आज बंद है, आज मंडे है, आज बंद रहता है, और अगर आप लोग को आना है तो मंडे नहीं आएगा इधर, क्या बोलते हैं 6 बजे से पहले आएगा अगर किसी और दिन आ रहे हैं तो हम लोग सोचा वापसी में थोड़ा सा खाते पीते चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग होटल भी पहुँचते हैं जल्दी, क्योंकि अपना होटल में बैठे रहेंगे, अपना गैजेट चार्ज कर लेंगे, फिर 5 o'clock के आसपास निकलना है हम लोग को अपना एयरपोर्ट के लिए, यही है, तभी अंदर जा रहे हैं, थोड़ा खाते पीते हैं, और फिर सीधा और क्या एयरपोर्ट मिलते हैं, थोड़ा एयरपोर्ट दिखा दूंगा कैसा है अंदर से एयरपोर्ट यहाँ का, सीधा वहीं मिलते हैं। सो फैमिली हम लोग आ चुके हैं अपने एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, जाने का टाइम हो गया है, अभी यहाँ का 6:15 हो रहा है, और ये हम लोग की ये एयरपोर्ट है, वो इंटरनेशनल फ्लाइट का है, ये बाहर से आप लोग देख सकते हैं ये है अपना एयरपोर्ट, अंदर से भी दिखाते हैं अभी, बट सन्नाटा बहुत है, अंदर कुछ होता है नहीं, बाहर तो बहुत सन्नाटा है, जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन तो रात में बहुत लेट नाइट आए थे, उस दिन तो और सन्नाटा था, बट आज भी उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, आज भी बहुत सन्नाटा है। तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं एयरपोर्ट में, और यहाँ स्टार्टिंग में ही इसको उतरवा देते हैं, कुछ पूरे लगेज को चेक करवाते हैं, पता नहीं क्यों, बट है इनका कुछ उसूल है, और टॉयलेट को टॉयलेट
बोलते टॉयलेट, पुलिस को पॉलिस बोलते POLIS। तो हम लोग अभी सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं क्योंकि यहाँ सेकंड फ्लोर पे डिपार्चर था। अब यहाँ थोड़ी भीड़ दिख रही है, बाहर तो इतनी भीड़ नहीं थी। रेस्टोरेंट, लाउंज, टिकट सेल्स ये है, इधर पैसेंजर चेक इन इधर है, वो देख सकते हैं। अब तो भीड़ है थोड़ी बहुत, बट उस टाइम बाहर तो भीड़ नहीं थी, अंदर भी नॉर्मल ही है। अब इसको पैकेज को चेकिंग करवाते हैं और फिर आप उससे मिलते हैं। तो फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, अंदर तो ठीक है, नॉर्मल ही है। वहाँ एक अपना क्या बोलते हैं, एक सेवन स्काई के नाम से रेस्टोरेंट है और एक वहाँ रेस्टोरेंट है, और यहाँ लाउंज भी मिल रहा था क्रेडिट कार्ड होल्डर वालों को। तो एक नाम के आदमी को एक ही, अब्बा के पास से तीन क्रेडिट कार्ड अगर होता तब भी एक ही को मिलता, क्योंकि एक नाम वाले को एक ही लाउंज मिल सकता। तो वो अब्बा चले गए अंदर, हम लोग यहीं हैं, तो हम लोग बाहर कुछ अब्बा का पैसा बाहर उड़ाएंगे। ये भी है कैफे हिस्ट्रो, ड्यूटी फ्री है यहाँ, और सामने भी बैठने का है। हम लोग का गेट नंबर 17 है ये वाला, अभी तो टाइम है, फ्लाइट में बैठते हैं। और ये छोटा सा एयरपोर्ट, और फ्लाइट में बैठते हैं, तिब्लिसी लैंड करते हैं, और वहाँ का भी थोड़ा बहुत आप लोगों को एयरपोर्ट दिखाते हैं, चलिए वहाँ मिलते हैं। फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं, यहाँ जॉर्जिया में लैंड कर चुके हैं, और अभी हम लोग एयरपोर्ट में अंदर से आप लोग इसका लुक देख लीजिए, ये इसका लुक है, यहाँ से लगे जा रहा है, यहाँ से एग्जिट है इसकी, और अपना ये एयरपोर्ट है, सजा हुआ है क्रिसमस की वजह से, उधर से भी है वॉशरूम है वो। अभी फाइनली लोग वहाँ आ चुके हैं, थोड़ा सा बाहर जाते हैं और बाहर का भी लुक देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। फाइनली वी आर आउट इन जॉर्जिया टिब्लिसी, और बाहर से आपको दिखा देता हूँ। अभी पटाखे थोड़े बज रहे हैं ना, ये है अपना बाहर का ओवरव्यू, और ये है अपना बाहर से अपना देख सकते हैं ये एयरपोर्ट है, और यही है आज का दिन, हम लोग यही था। तो आज का दिन ख़त्म हो गया, कल मिलते हैं आप लोग से, मिलते हैं कल और एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड बाय।